दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके बाबा ब्लॉग में। और आज हमारे साथ है हमारे सौरभ भैया और हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान में होलिका दहन किस तरीके से होता है। तो आप देख रहे हैं कि बीच में डांडा गाड़ा गया है और इसके ऊपर की जो झाड़ी है वो प्रहलाद बोलकर, उसको बाद में खैर बचाया जाएगा। और सड़कों का ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पर रंगोली बकायदा वेलकम रंगोली बच्चों के द्वारा ये फूल बनाया जाए, आप देख सकते हो यहाँ पर हैप्पी होली वगैरह यहाँ, और पूरे उसको सजाया जा रहा है। किस तरीके से सजाया जा रहा है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये चौराहा है जिसको ऊपर से हर तरफ से इसको ये बीच में सब लोगों के तार जो बिलुकड़ी है, बिलुकड़ी है, बिलुकड़ी डाली जाती है, यहाँ पूजा की जाती है बाकायदा महिलाओं के द्वारा। होलिका के दिन में 12 बजे महिला जितनी भी विवाहित है महिला होती है वो आकर पूजा पाठ करती है वो सूत से कवर कर। तो दोस्तों ये एक दूसरे चौराहे पर आए हैं जहाँ के ऊपर ये होली का जहन का बना रखा है, इसकी पूजा उजा कर दिन में गए और अभी देखते हैं इसका क्या होता है। और यहाँ के ऊपर पूजा करके यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर की जो सूत बांध रखी है विवाहित महिला इसके परिक्रमा देती है और मन्नत मांगती है, जो भी रहता है सदा सुहागन रहती है, लाल जोड़े का वो होती है वो इनका वो होता है। और रात में इसका दहन होने वाला है जब लोग इसको जलाते परिक्रमा देते और गेहूँ कच्चे गेहूँ की बाली सेकते हैं जिसको घुघरी बोली जाती है। दोस्तों मैं और राजू जा चुके हैं, अभी हमारे यहाँ ढोल पिट रहे हैं। तो ये होली का एक तरीका संदेश है कि होली अभी जलाना शुरू किया जा रहा है, तो आप देख सकते हो। और गली के लोग यहाँ पर ये बाल वगैरह लेकर, मेरी भी एक बाल है राजू भाई का, बाकी सब खड़े और ये ढोल आ चुके हैं पिटते हुए और ये सब वहीं जाएंगे होली के वहाँ पर। देख सकते हो गली के सब लोग निकल चुके हैं, देख सकते हो हमारे यहाँ पर बिंडू गोरू चिंटू झंडा, यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं और पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर आ चुके हैं। अभी हर गली गली से लोग निकल निकल कर आ रहे हैं और डांडा का उसके अंदर पूरे के पूरे लोग निकल निकल कर आ रहे हैं। पूरे मोहल्ले के लंगे इकट्ठी हो चुकी है। हमारे निकू डॉन भी आ चुका है, आ देखो अब चलते हैं धीरे धीरे होली का डांडा जलाने के लिए। अभी सब पूरी की पूरी गली मोहल्ले जो है जितने भी कबीले के लोग हैं जितने भी यहाँ पर वो सब के सब जा चुके हैं होलिका का दहन करने के लिए। देख सकते हो होली पर यहाँ पूजन के लिए और ये यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ के अंदर कैसे, और ये गली के देख सकते हो मोहल्ले के लोग अरे जल जाएगी मस्त है कि मेरी गिर गई यार आधी सी। अब
कुछ लोग आँच भी लेकर जाते हैं इसमें से। लाइव ना चला रहा हूँ, लाइव में तो कॉपीराइट दे पे बहन जो बात गाना बजा रखा है ना। अल्लाह अल्लाह ये बचाते हुए पहलाद को लोग ऊपर की लकड़ी बचाते हुए ये ऐसे ही तोड़ने की कोशिश करते हुए लेकिन कटी नहीं रही। अब इसको बचाने के चक्कर में इतने लोग लगे पड़े हैं। और ये जिस बांस से बचाया जा रहा है वो बांस ही जल चुका है, वो बांस जल चुका है जिससे बचा रहे थे वो जल चुका है। दूसरे बांस को लगाकर उससे खींचा जा रहा है, पहलाद को बचाया जा रहा है। और परली तरफ पहलाद को बचा लिया है, मतलब एक तरीके से झाड़ी रहती है उसको पहलाद बोला जाता है। पहला एक तो पहलाद को घर ही ले जाएगा, आगे वो बचा कर रहेगा भाई, असली विष्णु भगवान वही है। एक को तो बांसों चल गया यार वहां के अंदर, पूरा को पूरा देख ले ली, ज्यादा गाड़ दिए यार। अब देख सकते हो दोस्त, पहलाद को बचाने के बाद परकम्मा शुरू हो चुकी है इसकी होली की। अरे काय यार मैं